परीक्षा में धांधली की जांच करो, जांच करो, जांच करो। बच्चों के भविष्य खिलवाड़ मत करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों के भविष्य खिलवाड़ मत करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार हार है। योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मत करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों के भविष्य खिलवाड़ मत करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार अपने पेशर अखिलेश पांडे, जिला महासचिव, आम आदमी पार्टी वाला। अखिलेश जी, बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से ये एनटीए खिलवाड़ कर रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों का, खिलवाड़ है या कोई साजिश है? साजिश नहीं है, बल्कि जो कहना नहीं चाहिए, जो मेहनत करने वाले छात्र नहीं है, एक तरह के आप देख लो कि उनके घर के ही बच्चे होंगे या इनके नाते रिश्तेदार के बच्चे होंगे, जो एनटीए के द्वारा जो परीक्षा ली गई है, आयोजक एनटीए है। और जब एनटीए के कोई सवाल किया जा रहा है तो एक सवाल का एक बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए, रिटर्न हर चीज़ होता है। अगर कोई परीक्षा फॉर्म निकलता है, सपोज दैट कोई परीक्षा फॉर्म मान लिया आता है, तो परीक्षा फॉर्म में चारों चीज़ों का मेजरमेंट होता है कि परीक्षा कैसे होंगी, कितने मार्क्स होंगे, क्या प्रोसेस हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। उनसे पूछा गया कि आप बताओ कि साथ का 19 नंबर कैसे आ गया, साथ का 18 कैसे आ गया, अब उनकी हालत ख़राब। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग ग्रेस मार्क दे रहे हैं। अगर ग्रेस मार्क देने का प्रोसेस था तो आप अपने प्रॉस्पेक्टस में क्यों नहीं लिखे, आप उसका हवाला आपने क्यों नहीं दिया? अगर आप हवाला देते तो अन्य बच्चे भी उसका लाभ उठाते। आप कह रहे हो कि सेंटर पर परीक्षाएं लेट हुई है, इसलिए रखा हुआ है। अच्छा, यही अगर सेंटर पर परीक्षाएं लेट हुई हैं तो आपके पास एनटीए के पास अधिकार है कि अगर 5 मिनट परीक्षा लेट हुई है तो 5 मिनट आप बढ़ा दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि बच्चे तो अब सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की रुख कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को भी इसमें संज्ञान लेके कोई? देखिए, सरकार बिल्कुल संज्ञान में है, सरकार संज्ञान लेके नीट परीक्षा के पेपर को लीक कराई है, ये स्पष्ट है। एक एक पेपर नहीं, कई पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार के लोगों को उसमें घुसाना है बिना मेहनत करने की। आप देख लीजिए, कहना नहीं चाहिए, भारतवर्ष के अंदर जितने भी क्रीमी लेयर पर्सनालिटी पॉलिटिकल पर्सन के लड़के हैं, रशिया में, यूक्रेन में, चाइना में जाके MBBS की डिग्री लेते हैं, वो भारत की डिग्री नहीं ले पाते हैं। और वो अगर डिग्री लेके आते हैं तो भारत की एक ऐसी नियामक परीक्षा होती है उसको वो पास नहीं कर पाते हैं और भारत में वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने एक रास्ता अपनाया कि ये क्यों ना हम नीट के थ्रू, IIT JEE के थ्रू घुसाने का काम करें। लेकिन इनकी चोरी पकड़ी गई, इनकी चोरी ग्रेस मार्क बताने में आप कफाई नहीं दे पा रहे हो। आप कह रहे हो परीक्षा लेट हुई है, अरे हम लोग भी परीक्षा देते हैं, परीक्षा लेट होती है तो 5 मिनट 10 मिनट का टाइम बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह की हवा, एक सेंटर पे 8-8 लोग आ रहे हैं, 720 नंबर पाने वाले और 67 छात्र होते हैं। आप कह रहे हो कि मैंने 4 सदस्यीय टीम गठित की है जांच करने के लिए। अगर आपने 4 सदस्यीय टीम गठित की है और निर्णय नहीं हुआ है तो आप काउंसलिंग अदर स्टेट में क्यों करा रहे हो? आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जाँच हो, या तो परीक्षा रद्द हो, पुनः परीक्षा कराइए। मैं इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी वाराणसी। रमाशंकर जी, किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोगों की मांगे नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ी किए हैं, धोखाधड़ी बच्चों के साथ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम लोगों का मांग है कि इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं कि ये धोखाधड़ी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सही जगह से आएं। क्या किया आपने? तो इसके लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति महोदया को DM के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे। जांच की भी मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, जांच की मांग कराएंगे, परीक्षा रद्द करने की मांग कराएंगे। मैं कमला प्रसाद सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वाराणसी जिला। कमला प्रसाद जी, किस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नीट परीक्षा को लेकर के? नीट की परीक्षा में जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में गड़बड़ियाँ की गई हैं और जो देखने में लग रहा है कि जो मार्क्स बच्चों को दिए गए हैं वो मार्क्स गलत रूप से दिए गए हैं, जबकि इस परीक्षा में ग्रेस मार्क नहीं होता है और ग्रेस मार्क दिया जा रहा है। जैसा कि नेट के जो प्रबंधक हैं उन लोगों का कहना है, जिन्होंने परीक्षा लिया है उनका कहना है कि ग्रेस मार्क पाने पर इस तरह से बच्चों का अंक आया है। हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से जो है या तो परीक्षा हो या उनकी कापी जांच करके सही ढंग से उनको मार्क्स दिया जाए।